नमस्कार, मेरा नाम सतंजरा, देख रहे हैं न्यूज 24। हम इस वक्त पटना के प्रवर्तन निदेशालय ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय के बाहर हैं और यहां पर आज तेजस्वी यादव से पूछताछ होना है। कल हम बता दें कि आपको 10 घंटे से अधिक लालू प्रसाद यादव, जो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हैं, उनसे पूछताछ चल रही थी। आप हमारे वीडियो के माध्यम से साफ तौर पर देख सकते हैं, उनके समर्थक भी यहाँ पर नारे लगा रहे थे। और हम ये भी बता दें आपको, जमीन के बदले नौकरी मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव से लगभग 10 घंटे तक पूछताछ की थी। सुबह से शुरू सवालों का सिलसिला देर रात तक जारी रहा। इस दौरान लालू प्रसाद की पुत्री राज्यसभा सदस्य मीसा भारती ईडी के कार्यालय के बाहर इंतजार करती रही। उनके साथ राजद के तमाम वरिष्ठ नेता समर्थक भी डटे रहे। राजद समर्थकों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए सुरक्षा में सीआरपीएफ की तैनाती करनी पड़ी। कल करीब 11 बजे लालू प्रसाद यादव ईडी दफ्तर के लिए निकले थे, उनकी पुत्री मीसा भारती भी थी। बैंक रोड स्थित ईडी दफ्तर के बाहर जब लालू प्रसाद यहां पहुंचे तो पहले से ही राजद नेता के समर्थकों की भीड़ जुट चुकी थी। अपने नेताओं को आते देखते समर्थकों कार के आगे लेट गए, समझा बुझा के उन्हें हटाया गया। ईडी कार्यालय में मीसा भारती को प्रवेश करने से रोक दिया गया, जिसके बाद उन्हें अधिकारियों को बताया गया कि उनके पिता बीमार हैं और उन बैठने में उन्हें परेशानी होती है, समय समय पर दवाएँ भी देनी होती है। मीसा से दवाओं का समय लेकर ईडी अधिकारी लालू प्रसाद यादव को लेकर अंदर चले गए, लेकिन मीसा भारती और राजद दफ्तर के सामने डटे रहे और मौजूद रहे। आप हमारे वीडियो के माध्यम से साफ तौर पर देखिए किस तरीके से राजद के समर्थक भी यहाँ पे मौजूद हैं और ईडी दफ्तर के कार्यालय यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। हम आपको बता दें, झारखंड और बिहार दोनों जगह ईडी की टीम ताबड़तोड़ छापामारी कर रही है। झारखंड में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी ईडी ने अपने चपेटे में लिया है, वो फरार है, उनकी लोकेशन भी ट्रैक की जा चुकी है। हम आपको बता दें कि आज तेजस्वी यादव से पूछताछ होने वाली है ईडी दफ्तर में। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर के लिए बने रहिए न्यूज 24 पर। मैं सुयोग सिंह के साथ, मैं सतंजी पटना।